पंचायत समिति सदस्य, दोनों पंचायत समिति सदस्य जाएंगे, अब्दुल जब्बार जी, और स्टेज को थोड़ा खाली कर दे, खास तौर पर अगला सीट खाली कर दे, हमारे अतिथिगण इसमें आके विराजमान होंगे, इसलिए आगे का सीट बिल्कुल खाली कर दे। अजीमुद्दीन अंसारी जी, जमाल अंसारी जी, खिलाड़ी से परिचित, बेहतरीन अंदाज का कुर्सी थोड़ा लाइनअप कर दीजिए और आगे का कुर्सी बिल्कुल छोड़ दीजिए गेस्ट के लिए। नौशाद अंसारी जी क्यों नहीं गए? नौशाद अंसारी जी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गोल पहाड़ी द्वारा जो इस टूर्नामेंट के आगे हुआ था, उससे भी बेहतरीन अंदाज में फाइनल समारोह किया जा रहा है। आतिशबाजी के साथ हमारे अतिथि बिल्कुल पहुंच चुका है ग्राउंड में, प्लेयर से आवाज हो चुकी है। महाराजगंज वर्सेस अरबतपुर के बीच जो बैंगनी कलर के जर्सी में है, ग्राउंड के दक्षिणी छोर से जो खेल रहे हैं, यह छोटू क्लब अरबतपुर का प्लेयर, और जो रेड कलर के जर्सी में है ग्राउंड के उत्तरी छोर से, वह है महाराजगंज के प्लेयर। दोनों ही काफी मजबूत, क्योंकि दोनों ही फाइनलिस्ट है, दोनों ही अपना जगह से छल करके इस मुकाम तक पहुंचा है, तो हमें आशा है कि बेहतरीन खेल का मुजाहरा देखने को मिलेंगे। दर्शक को बिल्कुल शांति बना के बैठे, और देखने वाले दर्शकों से कमेटी बार बार यही बाहर पैर रखे या ग्राउंड के बाहर बैठे, बार बार कहूंगा ग्राउंड के बाहर रहे। और ये फिर एक बार कोशिश की छोटू क्लब के नौजवान, और ये एक अच्छा सा, क्योंकि शुरू से हमने देखा था कि अच्छे अपने अगेंस्ट टीम पर बहुत बढ़िया दबाव बनाते हैं, बड़ा ही अच्छा कोशिश। एक बार और देखते हैं कि ये अपने उम्मीद में खरा उतर पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक अगला टीम जो खेली थी छोटू क्लब के साथ, तो छोटू क्लब ने काफी ज्यादा दबाव बनाया था उसके ऊपर, हालांकि कामयाब नहीं हो पाए थे। ये छोटू क्लब की एक और कोशिश, लेकिन ये बिल्कुल बाहर बड़ा, और अपने अपने उम्मीद को बरकरार रखता हुआ आगे की ओर बढ़ते हुए। बिल्कुल आपको एक बार फिर बता दें कि दोनों टीमें जोश से लबरेज है, क्योंकि काफी ठोकरें खाकर गिरते पड़ते फाइनल तक पहुंचना किसी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और फिर बार काफी जद्दोजहद वहां पे, और इस देखना है कि इस युद्ध में कौन जीतता है। दोनों जोश में भरे हुए, दोनों तरफ के प्लेयर, और ये बिल्कुल बचा हुआ विषय। दोनों टीमें काफी जोश के साथ, और ये हमारे हिंदुस्तान की असली तस्वीर। बड़ा ही अनोखा खेल है, 22 और नतीजा खूबसूरत सा होने वाला था। आइए आगे चलेंगे, क्योंकि ये तस्वीर खूबसूरत सा भारत की आपके सामने है। दोनों टीमें केवल एक ही टारगेट, एक ही सोच, एक ही सपना, एक ही और छोटू क्लब की ओर से
काफी इंतजार के बाद आखिर सूखी जमीन पर बारिश हो गई। एक बार जिन्होंने गोल किया उसका नाम यहां तक पहुंचा था, जिन्होंने गोल किया है उस प्लेयर का नाम यहां तक पहुंचा था, और देखने वाले सभी सभी नौजवानों से जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने गोल किया। अभी अभी छोटू क्लब की ओर से उनका नाम है दीपक, और दीपक ने अच्छा खासा रोशनी फैला दिया। और इसी को मैं बात कर रहा था अभी अभी कि हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं। दीपक भाई आपने काफी जोश भर दिया है, काफी जोश भर दिया है, और फिर एक बार बड़ी अच्छी कोशिश। ठहर जाए तो एक बार मिलेंगे तूफान, ठहर जाए तो एक बार मिलेंगे इस पार के पिछड़े हुए उस पार मिलेंगे, और ये दौर अजब दौर है यारो, जिस गली में जाओगे एक से एक कलाकार मिलेंगे। ये बड़ा खूबसूरत तोहफा है। फिर एक बार आगे चलेंगे और देखते हैं, फिर एक बार कोशिश करता हुआ अपनी कर्ज को उतारने की कोशिश। लेकिन फिर से एक बार छोटू क्लब के खिलाड़ी काफी चौकन्ने मुस्तैद और काफी कोशिश को नाकाम करने में भी कामयाब होते हैं वो लोग। फिर बात बनाने की कोशिश थी छोटू क्लब। हमको लग रहा है कि इससे पहले जो प्लेंटी हुआ था वहां से काफी कुछ सीख मिली है उन लोगों को, उनके जोश में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। एक बार फिर अभी एक और कोशिश के साथ आगे बढ़ेंगे, और हम फिर एक बार एक बड़ा ही बार बार फिर एक बार छोटू क्लब तब से दबाव बनाने में सफल, और काफी अच्छी दबाव बनाते हैं छोटू क्लब के लड़कों में सब यंग हैं और सारे एक नई जोश और उमंग के साथ खेल रहे हैं। एक अलग सी जुनून दिखाई पड़ रही है, और कहा जाता है कि जब सूखी जमीन पे पानी पड़ जाए तो उसमें हरियाली आ ही जाती है। फतेहपुर के आफ्ताब, आपके पिताजी आपको खोज रहे हैं, आप उनसे भेंट कर ले स्टेज के सामने। चलिए फिर एक बार कोशिश करेंगे छोटू क्लब की नई जोश, और उसी जोश को आगे बढ़ाता हुआ हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये लोग सब हम भी समझते हैं, आप भी जानते अच्छी तरह, और उसी जोश को आगे बढ़ाता हुआ हम लोग चलेंगे। अरे हम तो बड़ा तो कहाँ
Thank you.